सो हे गाइज, दिस इज श्याम एंड यू वॉचिंग टेक्निकल श्याम यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बोर्ड में लेकर के आ गया हूँ जो कि हमारा होम थिएटर के लिए यूज़ में होगा। पता नहीं आप लोगों ने ये बोर्ड देखा होगा या नहीं देखा होगा, बट मेरे लिए ये बोर्ड नया है क्योंकि मैं नया बोर्ड लेकर के आया हूँ और उसके साउंड के बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है। जब टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा। वैसे ये 6 MOSFET में, या ट्रांजिस्टर भी आप उसे कह सकते हैं, वैसे तो मॉसफेट में नहीं होता हमारा बोर्ड। मॉसफेट वाले जो होते हैं वो बहुत हाई पावर के होते हैं। सो नॉर्मल प्राइस में आपको मॉसफेट वाले तो नहीं मिलने वाले, वही 5200 को हम मॉसफेट बोल देते हैं, लेकिन होते जो हैं वो BJT ट्रांजिस्टर ही हैं। ओके, सो काफ़ी लोग आपको उल्लू बना देते हैं कि ये मॉसफेट वाला एम्पलीफायर है, उसमें लगा होता है 5200 या 3055, ऐसे ही कुछ लगे होंगे, वो ट्रांजिस्टर को भी मॉसफेट बोल करके बेच देते हैं। ओके, सो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ये ट्रांजिस्टर के अंदर है, कोई मॉसफेट नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 MOSFET बोर्ड। ओके, सो इसके ऊपर मत जाना, ठीक है, और ज़्यादा बोलूँ तो प्लीज़ माफ़ कर देना। सो गाइज, ये देखिए, ये बोर्ड हमारा कुछ इस तरीके का है। थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं जिससे कि आपको थोड़ा क्लियरिटी मिले। सो ये देखिए, ये बोर्ड है। चलिए रैपिंग में से भी निकालते हैं इसे। ओके, और गाइज, ऐसे जो बोर्ड हैं वैसे दो हैं मेरे पास। ओके, और दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको दिखाऊंगा दोनों की क्वालिटी में क्या फ़र्क है, दोनों के साउंड में क्या फ़र्क है, वो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं पहले दिखा देता हूँ दोनों बोर्डों को, ठीक है, जिससे कि आपको एक तरीके से आइडिया हो जाए कि दोनों बोर्ड है कैसे। सो गाइज, ये दो बोर्ड हैं। ओके, तो दोनों में थोड़ा सा कंपेरिजन कर देता हूँ। ये जो है ये डबल PCB के अंदर बनाया गया है, सेलकॉन कंपनी का है। ओके, और ये जो है सिंगल PCB में बनाया गया है। सिंगल PCB मतलब इसके जो है ऊपर नीचे दोनों साइड लेयर बनाई गई हैं, बट इसका जो है नीचे के ही साइड लेयर बनाई गई है। ओके, और यहाँ पे गाइस पीछे पंखा लगा हुआ है, और इसमें देखिए छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और इसमें थोड़े ज़्यादा वोल्टेज के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ओके, और भी चीज़ें जो है इसके लिए मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जिसमें कि दोनों बोर्ड का कंपेरिजन करके देखेंगे कि कौन सा बोर्ड सबसे अच्छा है। ओके, तो चलिए इसे रख देते हैं अब साइड में। इस बोर्ड का हम टेस्ट करेंगे जो कि सेलसॉन कंपनी का है। ओके, सो गाइज, ये जो है हमारा 2.1 बोर्ड है, इसको हटा लेते हैं। 2.1 बोर्ड है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर कौन से यूज़ किए गए हैं गाइज, इसके अंदर जो है 5200 और 1943 के ट्रांजिस्टर इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, लेकिन ये छोटे वाले हैं। मैंने भी इससे पहले ये ट्रांजिस्टर देखे नहीं थे, आई थिंक नए आ रहे हैं क्या है, बाकी मुझे नहीं पता। ओके, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन आपको अगर मैं दिखा पाऊँ क्लियरिटी के साथ, सो यहाँ पे आपको 1943 और 5200 दिख रहा होगा, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है। एक मिनट में आपको थोड़ा सा और पास ला करके दिखाऊँ। सो ये देखिए, यहाँ पे आपको 2200 दिख रहा होगा इस वाले ट्रांजिस्टर पे, बट मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, इसमें C5200 और A1943 करके लिखा हुआ है। ओके, वैसे वाले ट्रांजिस्टर नहीं है जो कि पहले वाले बोर्ड में आते थे और दूसरे बोर्डों में जो मैंने दिखाया है। बाकी छोड़िए, कोई बात नहीं, इसमें 6 हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और एक हमारा जो है 5 वोल्ट सप्लाई के लिए यहाँ पे 7805 भी लगा हुआ है। हीट सिंक भी काफ़ी अच्छी है, हैवी है। आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए, इससे पहले जो बोर्ड दिखाया था उसमें हीट सिंक छोटी लगी हुई है, लेकिन उसमें फ़ैन लगाया गया है। ओके, उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको चारों चीज़ें यहाँ पे देखिए मिलेंगी, जिसमें कि आपका वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल और मिड भी हो सकता है या बैलेंस भी हो सकता है, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि मैं भी आपकी तरह नया ही हूँ जो इस बोर्ड को देख रहा हूँ। ओके, सो ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल और ये हमारा सबवूफर कंट्रोल। ओके, सो ये सबवूफर कंट्रोल के लिए है। और कुछ गलत बोल देता हूँ या फिर मेरे मुंह से काफ़ी बार क्या होता है, बोलते बोलते कुछ और निकल जाता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ। ओके, सो गाइस, इसमें देख सकते हैं ज़्यादा वोल्टेज के रेजिस्टेंस यूज़ किए गए हैं, जिसमें कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो जले ना अगर आप इसमें एक्स्ट्रा पावर सप्लाई भी देते हैं तो। अब इसमें बात करते हैं पावर सप्लाई के बारे में। सो इसके अंदर कितना पावर सप्लाई अपने को देना है। सो गाइस, मिनिमम जो पावर सप्लाई है वो 24024 आप इसमें दे सकते हैं, मैक्सिमम 30030 तक या फिर 35035 तक आप इसके अंदर दे सकते हैं। ओके, अगर आप एक्स्ट्रा पावर सप्लाई देते हैं, ज़्यादा पावर सप्लाई देते हैं, सो आपको क्या काम करना होगा, इसके पीछे फैन का यूज़ करना होगा। ओके, उस कंडीशन में क्या होगा, हीटिंग इश्यू ज़्यादा आएगा और साउंड क्लैरिटी भी अच्छी मिलेगी आप लोगों को। ओके, अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है जो कि 15 से 25 एम्पियर तक का लोड आराम से ले लेता है। सो ओरिजिनल इसके अंदर आपका ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, आप देख सकते हैं कैलट्रॉन के इसके अंदर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, यहाँ तक कि पावर सप्लाई वाले जो कैपेसिटर्स हैं
वो भी आपके कैल्ट्रॉन के लगे हुए हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखिए, होम थिएटर में कन्वर्ट करने के लिए दो आईसीएं यूज की गई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक ये आईसी है और एक ये आईसी है, मैं दोनों के नंबर एक बार मैं पढ़ के बता दूँ। सो फर्स्ट जो आईसी है वो TB0226P करके है, ओके। और जो ये लंबी वाली आईसी है ये आई थिंक बीस टेबल के लिए है, इतना मुझे पता है, LM324C आईसी है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, कंफर्म नहीं बता रहा, ये आईसी जो है बेस ट्रेवल को कंट्रोल करने के लिए और ये सब बूफर को कंट्रोल करने के लिए, इतना ही है, क्योंकि इसके सामने ही है ये सब बूफर का हमारा है, बाकी ये बेस ट्रेवल को कंट्रोल करने के लिए है, ओके। सो ये भी सेम उसी तरीके से है, 300 वाट का आपको ये आउटपुट देगा, ओके। सो एक चैनल हमारा बूफर के लिए, सॉरी सब बूफर के लिए, और बाकी के दो चैनल हमारे सैटेलाइट सब बूफर या फिर बूफर कुछ भी लगा लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी मेन जो है वो हमारा एक दो आईसी के अलग है, जो हमारा सब बूफर के लिए, बाकी जो चार आईसी हैं वो हमारे स्पीकर के लिए हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए इसमें लगाते हैं हम 24024 का अपना ट्रांसफार्मर, ओके। ये तीन हमारे हो गए आउटपुट के लिए, पीछे की साइड से वायर निकले हुए हैं, ये देखिए यहाँ सब आउटपुट का है, और ये दोनों हमारे लेफ्ट राइट चैनल के आउटपुट है, मतलब स्पीकर के लिए, ठीक है। चलिए और यहाँ पे हमारा इनपुट जाएगा ब्लूटूथ पैनल से, और यहाँ देख सकते हैं साइड में, यहाँ से आपका 5 वोल्ट सप्लाई के लिए ब्लूटूथ पैनल के अंदर। तो चलिए ज़्यादा कुछ है नहीं, जल्दी से कनेक्शन करते हैं और देखते हैं साउंड आउटपुट। दोस्तों जैसा मैंने सोचा था सेम उसी की तरह इसमें आउटपुट मेरे को मिल रहा है, आपको बताता हूँ क्या आउटपुट मिल रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने कैबिनेट के बारे में बता दूँ, जो इसके अंदर मैं बूफर के लिए कैबिनेट यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं गाइज इसकी जो परत है, इसकी जो प्लाई है वो कितनी मोटी है, सो आप जान सकते हैं इसके अंदर कितना बेस बनेगा और कितना छोटा सा कैबिनेट है। सो गाइज इसके अंदर बेस जो है वो बहुत ही कम बनेगा, क्योंकि इतनी मोटी प्लाई के लिए बहुत ही हैवी बूफर चाहिए होता है। ये डीजे वाला प्लाई इसके अंदर यूज़ किया गया है, और हमारा जो बूफर है वो 8 इंची का है। सो आप अगर समझदार हैं, अगर आप इन सब के बारे में जानते हैं, सो आपको बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर कैसा बेस बन सकता है, ओके। अगर यही MDF होता और पतला होता तो बेस ज़्यादा अच्छा आता और इससे बड़ा होता तो, ओके। अगर इतना भी होता तो बेस आता, लेकिन इसके अंदर इतनी मोटी जो परत यूज़ की गई है, सो इसके अंदर उतना अच्छा बेस नहीं आएगा, और सबसे बड़ी बात ये कैबिनेट भी छोटा है। सो आप जो है इसकी पंचिंग देखना, फिर भी बेस आपको थोड़ा बहुत पता चल ही जाएगा। और जो मैंने यहाँ पे बूफर यूज़ किया है वो 120mm मैग्नेट का है, फिर भी मैंने सोचा है कि थोड़ा हैवी जो मैग्नेट वाला बूफर है उसे यूज़ करूँ। और यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने 8 इंची का सैटेलाइट स्पीकर यूज़ किया है, जो कि बूफर है, इसकी मैग्नेट छोटी है इसके मुकाबले, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गाइस, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरा साउंड बिल्कुल कम आए और बेस में जितना चाहे उतना बढ़ा सकूँ, सो आप इस बोर्ड में ऐसा कर सकते हैं। इसमें आपको अलग से बेस का सेक्शन मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप वॉल्यूम को कम कर देंगे और फिर जो है बेस को कम ज़्यादा करेंगे तो नहीं होगा, होगा आपका ये जो सब बूफर के लिए दिया हुआ है ना, इससे आप वॉल्यूम को पूरा डाउन भी कर देंगे और इससे आप करेंगे तो आपका सब बूफर ओनली बजेगा, ठीक है। ऐसा क्या होता है जो होम थिएटर्स होते हैं उसके अंदर अगर वॉल्यूम आप डाउन कर देते हैं और बेस को बढ़ाते हैं तो आपका बूफर जो है वो कम चलता है, मतलब कम बेस देता है, जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वो आपको ज़्यादा बेस देता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं इतना बोल गया, लेकिन मेरा फर्ज था आप लोगों को समझाना। तो चलिए अब जो है इसमें आप देख सकते हैं पावर सप्लाई मैंने दे दी है, एक सॉन्ग प्ले करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे सॉन्ग को प्ले कर दिया है। अब सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई वही टेस्ट कराता हूँ। सबसे पहले हम बेस टेस्ट करेंगे, तो बेस का ये हमारा ड्यूल है, इसको हम यहाँ से बढ़ाएंगे। अब आप थोड़ा बहुत आवाज़ सुन रहे होंगे, ये देखिए बेस है ये हमारा, ये देखिए खाली बेस है, थोड़ा पास ले जाता हूँ मैं, तो गाइस बेस को कम करते हैं एक बार, थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमने कम कर दिया, थोड़ा और कम करते हैं, ये हमने कम कर दिया। अब जो है हम अपना जो साइड वाला स्पीकर है इसमें थोड़ा सा आवाज़ देंगे, और हमें आवाज़ भी तो पता लगना चाहिए ना, तो ये हमारा आवाज़ है, ये
सो गाइस अभी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही आवाज़ दिया है, अभी मैं आपको बढ़ा करके भी दिखाता हूँ आवाज़, एक मिनट। और गाइज इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो, देखिए अगर आप सैटेलाइट में दोनों बूफर ही लगाते हैं, ठीक है, स्पीकर नहीं लगाते हैं, तो अगर आपको बेस कम चाहिए तो आप सब बूफर को ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से, ओके। सब बूफर को ऑफ़ करके आप इसी से जो है आवाज़, बेस और ट्रेबल दोनों ले सकते हैं, ठीक है, तीनों ले सकते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर हमें तीनों सेक्शन मिलते हैं। अब मैं धीरे धीरे करके तीनों सेक्शन को छेड़ूंगा, आप देखना। एक मिनट, इसका जो तार है वो निकल गया, मैं पहले तार जोड़ लूँ। सो गाइस चलिए आप टेस्ट करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम को अप कर रहा हूँ, ये मैंने किया वॉल्यूम को अप, ठीक है। अब यहाँ हमारा बेस ट्रेबल भी अप डाउन करेंगे, ये हमारा ट्रेबल, इसको कम कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा बेस है, सो गाइज मेरे को तो बहुत अच्छा इसका आउटपुट लगा। इसके ज़रिए जो है आप मतलब बहुत ही अच्छा एक होम थिएटर या फिर टावर होम थिएटर बना सकते हैं। इसमें आपको अगर दो बूफर यूज़ करते हैं और एक सब बूफर यूज़ करते हैं तो और भी अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन गाइज बूफर यूज़ करने से ये होगा, आपकी आवाज़ जो है आपके एम्पलीफायर की वो फटेगी, तो इसीलिए आपको जो इसमें ट्विटर या फिर छोटे वाले जो स्पीकर है वो यूज़ करने पड़ेंगे। इसमें छोटे वाले स्पीकर अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको इसके अंदर कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपके छोटे वाले स्पीकर उड़ जाएंगे, ओके। गाइस अगर आप ये जो स्पीकर है हमारे पास बूफर जो है इसे बॉक्स में फिट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको आउटपुट जो है इस बोर्ड से मिल सकता है। ये बोर्ड जो है फ़िलहाल मैं लेकर के आया हूँ और मैं अभी अपने स्टोर पे इसे डाल दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे मेरे स्टोर का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, उस पर क्लिक करके आप जो है इस बोर्ड को बुक कर सकते हैं। फ़िलहाल में दो बोर्ड है मेरे पास ऐसे, एक ये और एक और जो मैंने आपको दिखाया था। दोनों क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क है, मैं आपको बताऊँगा क्या फ़र्क है आगे आने वाली वीडियो में। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था गाइस। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोगों को पता चल गया होगा मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों को जो दिखता है वैसा तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी ये बिगड़ जाता है कभी वो हो जाता है और मेरे को थोड़ा बहुत कैमरा भी एडजस्ट करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। सो इन सारी चीज़ों के लिए प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ये मत करना तो बहुत पकाता है, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इस बोर्ड के बारे में पता चल पाए, ओके। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।